सो गाइस फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं श्री हनुमान धाम। सो अभी आपको दिखाता हूं फ्रंट गेट से, और हमने टैक्सी को भी पार्क कर दिया। सो अभी आपको दिखाता हूं फ्रंट गेट से। सो ये देखो, ये रही हमारी टैक्सी और ये रहा हनुमान धाम हमारा, जहाँ पे हमें आना था। इतने समय से हमारा हो रहा था, कैंसिल हो रहा था समय, लेकिन आज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री हनुमान धाम। ये रहा भाई एक्सपीरियंस, बताओ मजा आ गया। लेकिन ठंड भी बहुत थी, मतलब सही थी एकदम, मतलब तगड़े एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम किया मैंने। और कुछ इस तरह का है अभी हनुमान धाम का सीन। और ये है यहाँ पे हनुमान में दुकानें भी हैं, खाने पीने के भी दुकानें हैं यहाँ पे, ये सब है अभी। तो अभी हम लोग थोड़ा हेलमेट वेलमेट लॉक वॉक कर रहे हैं, कैमरा भी लाए, थोड़ा बहुत कैमरा मैन दूसरे फोटोज खींचते रहेंगे पहले बाहर की तरफ, ठीक है, और फिर अंदर चलेंगे। तो अभी तो यही है, तो अभी पहले फोटो वोटोज खिंचाते हैं, और जो फोटोज है वो इसमें अटैच हो जाएंगी, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। तो अभी यही है, तो अभी पहले फोटो खिंचाते हैं और मिलते हैं आपको फोटो खिंचाने का। तो चलो, हमारी फोटो वोटोज खींच के हो चुकी है, ठीक है, और जो फोटोज है वो जैसे कि मैंने आपको बताया वो आखिरी में अटैच हो जाएंगी कुछ सारी की सारी, ठीक है, जो भी फोटोज मैंने यहाँ पे खींची है। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी चाहिए तो हो सकता है मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी इसलिए बोलता हूँ आप फॉलो करके रखो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है अभी यहाँ पे, तो प्रसाद लेते पहले तो, और फिर आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा यहाँ से लेता अभी प्रसाद इनसे यहाँ पे, ये भी यहाँ पर प्रसाद है। मैम क्या क्या डाल रखे है इसके अंदर बता सकते हैं? 50 वाले में चना, इलायची, मिश्री, पंचमेवा, सिंदूर, कला। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। सो यहाँ पे भैया भी पेमेंट वेमेंट करते हैं, बाकी यहाँ पे खाने वाने दुकान भी है बढ़िया, यहाँ पे सही चल रहा है यहाँ पे ऐसे कुछ। तो अभी हम लोग पेमेंट वेमेंट करते फिर आपको दिखाते हैं। तो चलो, मैंने जूते भैया ने उतर दिए, तो अभी हम लोग कैमरा लेके चलते अंदर मंदिर की तरफ। नंगे पैर भाई सब ऑलरेडी ठंड लग गई, कुत्ते को देखो, कुत्ते सब इधर खाने के लिए बैठे हैं, सबके सब देख रहे हैं अभी। तो चलो चलते हैं हनुमान धाम के अंदर। सो ये है, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय श्री राम, श्याम। तो ये है कुछ इस तरह का है हनुमान धाम अपना, ठीक है, और ये इसका अब बताने कुछ बन रहा है साथ है। और यहाँ पे भी है कुछ इस तरह का, पीछे से कुछ इस तरह का दिखता है, आगे कुछ इस तरह का है हमारा हनुमान धाम, ठीक है। अभी अंदर शायद से वीडियो अलाउड नहीं है, देख लेंगे जैसे भी है, और कैमरा भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ठंड लग रही है, तो वो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, इसलिए मेरे दांत कांप रहे हैं। ओके, हम लोग चलते हैं हनुमान के अंदर। चलो इसको पहन लेते हैं हम लोग। चलो जय श्री राम, जय बजरंग बली। आपको बाहर से ही दर्शन करवा देंगे हनुमान धाम के, ठीक है, मतलब मंदिर के अंदर के, ठीक है, और बाकी तो आप देख ही सकते हो जैसे हनुमान धाम अपना। यहाँ पर भगवान जी का गाने भी चल रहे हैं बजरंग बली जी के, ये बाकी इधर बुरा लिखा हुआ है, बाकी मंदिर है पूरा का है। तो चलो, वो भैया से पूछ लिया मैंने कि हम लोग बाहर से ही दिखा सकते हैं मंदिर, तो आपको बाहर से ही दिखाता हूँ ऐसे। तो यहाँ से तो बंद कर रखे, वहां से दिखाता हूँ आपको आगे से, वहां से बाहर से ही दिखाएंगे आपको, क्योंकि हाँ अभी मतलब बाहर से दिखा सकते हैं, तो बाहर से ही आपको एक बार मंदिर का दर्शन करवा देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग भी आ रखा ना पहली बार मेरे साथ। तो ये कुछ इस तरह का मंदिर है हमारा, ठीक है, बाहर से दिखा रहा हूँ भैया। सो गाइस मंदिर में अंदर
मना कर रहे हैं, तो ठीक है मैं दर्शन करके आता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ दर्शन करने का। तो चलो, हमारा मंदिर के अंदर का दर्शन हो गया और मंदिर के अंदर क्या ही प्यारा मंदिर है, सच में बहुत प्यारा है और मैं बहुत मज़ा आएगा मंदिर में। मैं सच बोलता हूँ, अगर आप अभी तक हनुमान धाम नहीं आया हो हल्द्वानी में तो भाई तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि हनुमान धाम सच में आओ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पीस लगेगा। तो मुझे बड़ी शांति मिली है बड़ी, और अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, मन में एकदम मतलब वो हो गई, एकदम आत्मा शांत हो गई है। और मंदिर के अंदर जो शूट करना तो अलाउड नहीं था, लेकिन जो मंदिर में दृश्य देखे ना मैंने, मतलब जो हनुमान जी की जो मूर्ति है, सात रूप है वो दिखाए गए हैं उसमें और मूर्तियों में, तो भाई क्या ही लगता है वो भाई, बहुत तगड़ा लगता है, बहुत तगड़ा, भाई मज़ा आ गया। अभी तो फिलहाल तो यहाँ से व्यू देखो आप, व्यू देख सकते हो आप, इतना तगड़ा सा व्यू है। देखो बजरंगबली जी का वो भी लगा रखा है यहाँ पे फ्लैग, तगड़ा दिख रहा है यहाँ से तो। भाई नीचे का जो वो है ना फ्लोर, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा, पर मैं वैसे ठंडी लग रही है, कुछ इस तरह का है। भाई साहब तगड़ा दिख रहा है यार, तगड़ा ही देख रहे थे भाई साहब। और ये है मंदिर का, आपको बाहर से दिखा देता हूँ, ये देखो ये कैमरा वैमरा भी लगे हैं हर जगह पे, और ये नीचे भी ये बनाया हुआ वहाँ पे देख रहे हो, ये सब कुछ है। ये देखो यहाँ पे लोगों ने धागे वागे बांध रखे, ये देख लो जैसे आप देख सकते हो, देखो इतने सारे लोगों ने बांध रखे हैं, देख सकते हो जैसे कि आप, ठीक है। बाकी तो यही है मंदिर का, बाकी यहाँ पे रेनोवेशन भी हो रहा है शायद से, तो इसलिए यहाँ पे वो लकड़ी वकड़ी लगे हैं, बाकी दरवाजा बंद कर रखा है। बाकी मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ, बाकी अंदर अगर हुआ तो देख लेंगे, वरना बाहर से ही आपको दिखा दूंगा, शायद अलाउड तो नहीं है, तो बाहर से ही दिखा दूंगा आपको पूरा मंदिर। तो कुछ इस तरह का है मंदिर का एरिया, ये मैया का माता जी का मंदिर, देखो सबके एक स्पेसिफिक मंदिर बना रखा है बढ़िया से, ठीक है। अभी देखते हैं थोड़ा बहुत आपको बाहर से ही दिखाते हैं, पहले हनुमान धाम फिर हम लोग अंदर जाके दर्शन करके आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि बाकी ये देखो आप मंदिर है, अरे मंदिर नहीं है सॉरी लिफ्ट है, तो लिफ्ट है। बाकी ये यहाँ पे एक मंदिर है, ये देखो तो ये है कुछ जगह मंदिर है, ये शायद भोले जी का है, क्योंकि नंदी जी बैठे, मतलब ये महादेव जी का है, महादेव जी भी है और शिव पार्वती जी भी है, मतलब गणेश जी का भी। भैया शायद अंदर जा चुके हैं, तो हम भी देखते हैं, सबसे पहले आपको बाहर से दिखा देते हैं वीडियो निकाल के, ठीक है मंदिर का, और फिर बस वहाँ से हम लोग दर्शन करके अभी आ चुके हैं यहाँ पे महादेव के पास, और यहाँ पे प्रे करते हैं, आप भी कर लीजिए पहले तो प्रे, मैं मांग लेता हूँ और मिलते हैं वो अपने प्रे करने के बाद। तो चलो सो गाइस यहाँ पे दर्शन करके हो चुके हैं, अभी चल रहा हम लोग नीचे की तरफ, हम लोग तो चलो चलते हैं, भैया जा चुके नीचे की तरफ, ये रहे जैसे कि आप देख सकते हो, तो अभी सीढ़ी से उतर चलते नीचे और जूते वूते पहनते फिर चलते घर, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना आज, तो इसलिए हमें अभी तो इसलिए हमें फटाफट निकलना पड़ रहा है यहाँ पे, वरना हाँ तो हम लोग थोड़ी देर और रहते इधर दर्शन करने, मतलब थोड़ी देर और बैठते, और हम लोग बैठे हुए भी थे यहाँ पे अंदर मंदिर में बैठे थे दर्शन करने का, तो भाई मज़ा ही आ गया मतलब पूरा। और लास्ट टाइम आप देख लो हनुमान धाम तो कुछ इस तरह का है हनुमान धाम, ठीक है अपना, ठीक है। और हाँ मैं रिकमेंड करूँगा जो जो भी हल्द्वानी में रहते हैं और अभी तक हनुमान धाम नहीं आए, भाई पक्का हनुमान धाम ज़रूर आना ज़रूर। और मेरे और भी जो व्यूवर्स उसके जो हल्द्वानी के नहीं है बाहर के हैं, भाई अगर तुम हल्द्वानी आते हो उत्तराखंड आते हो तो हनुमान धाम ज़रूर आना भाई, तुम्हें मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ, तो चलो कुछ इस तरह का कर लो। जय भगवान जी, जय हर हर महादेव, जय शिव, जय बजरंगबली। चलो चलते हैं हम यहाँ से बाहर,
जूते पहनने के लिए, कुछ इस तरह का है। अभी तो यही है। तो सोगैस हम लोग पहुंच चुके हैं दुकान में, वहां से हमने जूते रखे थे, तो यहाँ पर रखे थे हम सब जूते। ठीक है, तो अभी तो यही है। तो अभी फटाफट से जूते वूते पहनते हैं और मिलते आपको जूते पहनने के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ड्राइवर के पास। ठीक है, और हमने कैमरे का बैग वैग रख दिया, तो हमारे दर्शन भी हो चुके अभी। तो ठीक है, ये ब्लॉग भी बहुत लंबा बन चुका, तो इस ब्लॉग का इधर एंड करते हैं। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब एंड प्रेस बेलकन। और हाँ, जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया, डूट क्या करो, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, 600 सब्सक्राइबर कराओ मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और हाँ, जिन जिन ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। तो मिलते हैं मेरे किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन चलो, बाय गाइस।